इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला गुरुवार को सामने आया था, जिसमें क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दो आरोपी ऐसे हैं जिन्होंने मुख्य आरोपियों को छुपाने और भगाने में मदद की थी। इमामवाड़ा परिसर में गुरुवार को हुई हत्या पर सारा शहर सहम गया था। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। मामले में मुख्य आरोपी शेरू उर्फ शंकर राठौर ने घटना को अंजाम देने के बाद नंदनवन के 37 वर्षीय मित्र अमोल वानखेड़े से छुपने के लिए पनाह दी थी और शंकर के बेटे ऋतिक ने धंतोली के दोस्त राहुल नेवारे के घर पनाह ली थी, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों ने मुख्य दोनों आरोपियों को भागने में मदद की। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने आज शंकर और ऋतिक राठौड़ सहित धंतोली निवासी राहुल नेवारे और नंदनवन निवासी अमोल वानखेड़े को गिरफ्तार कर इमामवाड़ा पुलिस को सौंप दिया है। इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत झालेल्या हत्येच्या गुन्ह्यातील आरोपी शंकर भोला सिंह राठौड, त्याचा मुलगा ऋतिक शंकर राठौड आणि त्याच्यासोबत इतर दोन सह आरोपी अमोल हिम्मत वानखेडे, राहुल सहदेव नेवारे अशा चार आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। या अटकेदरम्यान मुख्य आरोपी शंकर भोला सिंह राठौड यांचा घरझडती घेण्यात आली। या घरझडतीमध्ये सदर व्यक्तीच्या घरातून तो सावकारीचा व्यवसाय करीत होता, अशा अनुषंगाने काही कागदपत्र आणि एक फायरआर्म जप्त करण्यात आलेला आहे आणि इतरही आम्ही प्राथमिक तपासातून माहिती समोर येत आहे की हा आरोपी हा अवैधरित्या सावकारीचा व्यवसाय करीत होता। त्या अनुषंगाने परत पोलीस स्टेशन इमामवाडा अंतर्गत यांच्या विरोधामध्ये महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम अंतर्गत खंडणी मागणे, महिलेशी अभद्र व्यवहार करणे अशा विविध कलमांतर्गत एक वेगळा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। या आपल्या माध्यमातून पोलीस प्रशासनातर्फे जनतेला आवाहन करण्यात येत आहे की परिसरामध्ये या आरोपीकडून जर एखाद्या पीडितेला यापूर्वीच्या काळामध्ये त्रास दिलेला असेल आणि त्यांनी जर तक्रार दाखल केली नसेल तर त्यांनी तात्काळ पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधावा, त्यांच्या तक्रारीवर आरोपी विरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल। इमामवाड़ा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करने के बाद मृतक के पड़ोस में रहने वाली अनिशा इंगोले के रिपोर्ट के बाद अन्य मामले भी दर्ज किए हैं। फिलहाल इमामवाड़ा पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंखलवार की रिपोर्ट।